अगर दोस्तों आप लोगों का फोन का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदी आपकी वीडियो बनती है, तो आज आप टेंशन मत लो। मैं आप लोगों को एक ऐसा जुगाड़ बताने जा रहा हूं, अगर आप उसकी हेल्प लोगे दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की और बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाएगी। पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ किस तरीके की बनेगी। दोस्तों आप दो वीडियो देख रहे हो, एक वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल वीडियो, दूसरी है एडिटिंग वीडियो। दोस्तों अगर हम बात करें ओरिजिनल वीडियो की, दोस्तों ये मेरे फोन की वीडियो है, मेरा फोन का कैमरा आप लोग देख लो कितना बेकार है। और दोस्तों एडिटिंग करने के बाद आप देखो एडिटिंग वीडियो किस तरीके की दिखाई दे रही है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं मैं अपनी वीडियो कौन से एप्लीकेशन में और कैसे इसको एडिट करता हूं। दोस्तों एडिट करने में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 सेकंड लगेंगी। दोस्तों एक क्लिक करना पड़ेगा आपको, आपकी पूरी वीडियो एडिट हो जाएगी, इतना सिंपल और हल्का जुगाड़ है ये। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, अगर आपके फोन में काइनमास्टर नहीं है तो अपने फोन में काइनमास्टर इंस्टॉल कर लो। मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं काइनमास्टर। देखो दोस्तों स्क्रीन में आपके सामने चल रहा है ना, ये एप्लीकेशन है काइनमास्टर, आप लोगों को अगर दिखाई दे रही हो, ये सबसे ऊपर रेड कलर का जो सिंबल आ रहा है बना हुआ, देखो दोस्तों ये मेरे फोन में ऑलरेडी है, मेरे फोन में ऑलरेडी काइनमास्टर है, अगर आपके फोन में नहीं है आप इंस्टॉल कर लो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे देखो आप लोग देख रहे हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये एक बड़ा सा सर्किल है जहाँ पे प्लस का सिंबल है बना, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 16:9 वाले पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ से दोस्तों देखो ये मीडिया है ना लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक वीडियो ले लो आप, जैसे मैं उठा लेता हूँ वीडियो ये वाली अपनी, अब मैंने वीडियो ले ली ये ली। अब आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो स्क्रिप्ट पे जो वीडियो है ना नीचे, इस पे क्लिक करना है स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे ऐसे खुल के आ जाएगा आपके सामने, और नीचे चलते रहो, नीचे जाके दोस्तों कलर फिल्टर है एक जगह लिखा हुआ ऑप्शन, कलर फिल्टर पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, पहले नंबर पे नॉन है, दूसरे पे बेसिक है, तीसरे पे वार्म है, चौथे पे कोल्ड है। भाई मैं कोल्ड पे करता हूँ, कोल्ड पे करने के बाद C01 और C02, मैं C02 यूज करता हूँ। इस पे करने के बाद दोस्तों ऊपर राइट का निशान है, राइट का निशान लगा दो, हमारी वीडियो आप लोग देख लो। अगर दोस्तों आप लोगों का फोन का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही गंदी आपकी वीडियो बनती है, देखो भाई आज ये वीडियो हमारी हाई क्वालिटी में एडिट होगी। अब इसको कैसे बाहर निकालना है, देखो अब कैसे मतलब मेमोरी के अंदर लाना है, आप बैक कर दो। बैक करने के बाद एक बार फोन को वीडियो पे क्लिक करो और यहाँ पे दोस्तों देखो ये सिंबल है ना बना हुआ शेयर वाला, यहाँ पे जाके HD 720 से ऊपर लिखा हुआ HD 720 और इधर 60 पे रहने दो, और नीचे देखो दोस्तों लो और हाई, देखो ये आगे पीछे हो रहा ना, हाई कर देना है इसको और नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। अब ये आपके फोन में आ रही है, जो आपके फोन की मेमोरी है उसके अंदर जा रही है ये वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं कैसे अपनी खुद की वीडियो एडिट करता हूं। मैं देखने में कोई इतना अच्छा नहीं हूं, बस मैं भाई जुगाड़ लगा देता हूं और मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाती है, अच्छी क्वालिटी की बहुत ज्यादा। और दोस्तों कैमरा फोन का अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, वीडियो एडिट करना बड़ी बात है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक जुगाड़ बता दिया, तो इसको आप भी यूज करके देखो, इसको आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी और जब आप उसको यूट्यूब पे डालोगे तो आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि आपकी वीडियो हाई क्वालिटी में आने लगी है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।